नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, उत्तर प्रदेश एसआई सिविल को लेकर के आपकी जो है प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और पुलिस बोर्ड के द्वारा डीबी और पीएसटी के लिए अगली जो एक टीम गठित होती है उस टीम के गठन के लेकर एक जो है आदेश जारी किया गया है। और इसमें आपका एक चीज क्लियर हो गई है कि जो कट ऑफ का अनुमान सारे लोग लगा रहे थे वो अनुमान कहां जाने वाली है। जो आपकी ये विज्ञप्ति आई अभी कुछ देर पहले आई है, 28 तारीख की है, आज की ही है, और इसमें यह स्पष्ट बात लिखी है कि जो नागरिक आपके जो है उपनिरीक्षक की भर्ती रही है इसके अंतर्गत लिखित परीक्षा में डीबी या पीएसटी है तो हर लगभग 20,000 अभ्यर्थी, केवल 20,000 यानी लगभग 9,500 पदों में 20,000, दो गुना ही बुलाया जा रहा है। जो आपकी मानक चल रहा था 50,000 न्यूनतम, वो चीजें धरी की धरी रह चुकी है, दो गुना सिर्फ बुलाया जा रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा 20,000 जो है अभ्यर्थियों की डीबी या पीएसटी कराए जाने के हेतु दलों का गठन किया जाना है। तो जिनके आपके मार्क्स हाई है, सीधी सी चीज क्लियर हो चुकी है कि मार्क्स आपके हाई है, हो सकता है ये कई चरणों में किया जाए, लेकिन पहले तो यही किया जा रहा है कि आपके 20,000 लगभग अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। ये 22,000 25,000 के करीब भी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ का आकलन अब आपके सामने निकल के आ चुका है। आप लोग सारे समझदार हैं कट ऑफ क्या जानी और कैसे होना है, ठीक है। इसको लेकर के एक टीम गठित होती है जो अब लेखों की आपकी समीक्षा करती है और शारीरिक मानक परीक्षा जोनल स्तर पर कराया जाना है और जिसके हित जनपदीय अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मनीक्षा जो है मानक परीक्षा दल का गठन किया जाना है। इसमें जो है एक तो डिस्ट्रिक्ट का आपका डीएम जो है डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होता है और जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होता है डिप्टी एसपी और बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक, ठीक है, या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश शिक्षा विभाग का कोई राजपत्रित अधिकारी, ये तीन लोग मिलते हैं और फिर आपके अन्य रहते हैं। तो भैया जिनके मार्क्स हाई हैं रेस में लग जाओ, कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से सारी चीजें अपनी क्लियर कर दो। ये जो आपके रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका हो सकता है जनवरी प्रथम सप्ताह या अभी दिसंबर तक में ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 दिन अभी बाकी है, ये जनवरी का प्रथम सप्ताह आ जाएगा। और जिनके आपके जो है डॉक्यूमेंट्स सारी चीजें नहीं है, जल्दी से इकट्ठा कर लीजिए और आप लग जाइए अगली प्रक्रिया में। तो सभी के लिए भाई आसान्वित रहिए, हो सकता है ये जो डीबी पीएसटी कराया जाए इसके बाद अभी बहुत कुछ बाकी है लड़के, लेकिन अगर 20,000 ही बुलाएंगे तो इनकी सबसे बड़ी आदत होती है, कहीं ना कहीं एक जो जिक्र मैं करना चाहता हूं कि अगर इनके 20,000 में ये रेस करवाएंगे, रेस के बाद इन्हें बच्चे नहीं मिलेंगे तो ये क्या करते हैं, सीटें खाली छोड़ देते हैं, जो इस सरकार की सबसे बड़ी नौटंकी है। तो कहीं ना कहीं 20,000 एक मानकों पर कोई खरा नहीं उतरा है, ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। न्यूनतम 5 गुना तो बुलाया ही बुलाया जाना चाहिए 20,000 पदों का, ये चीजें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ मजाक है, चीजें होनी चाहिए, आप लोग जरूर आवाज उठाएं इस बारे में। तो जिनका है वो लोग अपनी तैयारी करें, बाकी जो सूचना होगी आगे उसके बारे में मैं जरूर मिलूंगा। सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।